आप दिग्विजय सिंह, अगेन फ्रंट ऑफ यू, टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 9, टॉपिक इज लाइंस एंड एंगल्स। ओके, टॉपिक इज लाइंस एंड एंगल्स। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट, ब्रीफली डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल द थ्योरम्स। एंड नाउ आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। तो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 8 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 6। द साइड्स एबी एंड एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर प्रोड्यूस्ड टू, इसके लिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ओके, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज ए बी सी, द साइड इज दिस प्रोड्यूस्ड। ओके, पी एंड की, ए बी को पी तक प्रोड्यूस किया गया और इसको क्यू तक, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर या मीट करते हैं। ओके, तो ये एंगल पी बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड क्यू बी सी, मीट आई टू आर इंटरसेक्ट आई टू, आपको प्रूव करना है एंगल बी ओ सी 90 माइनस हाफ एंगल है, तो हम प्रूव कर रहे हैं इसको, सोल्यूशन दे रहे हैं। गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, बीओ बाइसेक्ट एंगल बी बी सी एंड सीओ बाइसेक्ट एंगल क्यू सी बी। ठीक है, टू प्रूफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल, प्रूफ कर दीजिए, कुछ नहीं थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। हम इसको एक्स मान रहे हैं और इसको वाई। ओके, ध्यान दीजिए, और इसको एंगल वन मान लें, इसको एंगल टू, आसान लग रहा है इसमें, प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वाई, और ये वन टू फिगर में दिखाना, जैसा नहीं कि आप यहाँ वन टू एक्स वाई लिखिए, फिगर दर्शाइए, फिगर दिखाना बहुत जरूरी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू शो इन द फिगर। देखो बेटा, बी ओ बाइसेक्ट एंगल पी बी सी, देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल पी बी सी अपॉन टू हो जाए, भाई ऐसे कर सकते हैं, ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये पूरे का हाफ हो जाएगा, बीबीसी नहीं पीबीसी। अब देखो, एंगल पीबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, भाई अगर ये इसको दो बराबर भागों डिवाइड करे, सपोज करिए कि ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है, वहां सोचने के लिए केवल समझने के लिए, तो 60-60 का हो जाएगा, 60 इज द हाफ ऑफ 120। ठीक है, तो एंगल पी बी सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए बी सी, यानी एंगल पी बी सी हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, ध्यान समझे, तो यहां पे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल पी बी सी अपॉन टू है, एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स अपॉन टू, या इसको ये कर लेंगे सेपरेटली 180 माइनस एक्स बाई टू, 180 एंगल वन हो जाएगा बेटा 90 माइनस एक्स बाई टू, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कुछ है नहीं। उसी तरीके से एंगल बी सी क्यू या क्यू सी बी कर लें, बी सी क्यू करें चाहे क्यू सी बी कर लें, इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, क्यू सी बी क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई हो जाएगा, एंड एंगल टू इज इक्वल टू क्यू सी बी अपॉन टू, या लिखेंगे सीओ बाई सेक्टर, सीओ बाई सेक्ट एंगल क्यू सी बी, हम यहां देखेंगे। तो अब एंगल टू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई अपॉन टू, ये हो जाएगा 180 अपॉन टू माइनस वाई बाई टू, एंगल टू हो जाएगा 90 माइनस वाई बाई टू, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ठीक है,
adding equation first and second. Can you better? First equation आपका था एंगल वन, लेफ्ट हैंड साइड में यहां एंगल टू है, एंगल वन प्लस एंगल टू हो गया 90 माइनस एक्स बाय टू प्लस 90 माइनस वाई बाय टू. अब देखिए एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाय टू माइनस वाई बाय टू, या एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाय टू प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे, या एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो. अब थोड़ा सा हम लोग यहां दिमाग लगाएंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे. इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 180 डिग्री का होगा, तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए. ध्यान समझिएगा, इन ट्राइंगल ओबीसी एंगल बीओसी हो जाएगा, यानी ऐसे कर लेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल बीओसी 180 डिग्री का, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बीओसी. ये चीज हमें याद रखें, यानी इस वन प्लस टू के जगह पे 180 माइनस बीओसी रख देंगे. देखें जो मैंने लिख दिया 180 माइनस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस y क्या है 180 माइनस एंगल ए बाय टी. कोई दिक्कत नहीं है, यहां देख लीजिए तो 180 माइनस एंगल बीओसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाय टू. 180 बाय टू 90 हो जाएगा, ये ए बाय टू. अब देखना बेटा ध्यान समझा, 180 माइनस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस एंगल ए बाय टू. ठीक है, ये माइनस माइनस को कर देंगे तो वन इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस एंगल बीओसी इज इक्वल टू, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया. ठीक है, माइनस कॉमन करने तो 90 माइनस एंगल ए बाय टू हो जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाय टू. उसे नहीं इसमें हम इसको और भी केवल क्वेश्चन बढ़ा है, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन केवल बढ़ा है. ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, फिगर लिया, ये पूरा लीनियर पेयर होगा तो ये एंगल क्या होगा 180 में से x माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा. जब यहां ये इसमें इस एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल वन इस पूरे का हाफ होगा, और इस एंगल को हमने निकाल लिया 180 माइनस एक्स, एंगल वन इज इक्वल टू हमने निकाल लिया 90 माइनस एक्स. उसी तरीके से एंगल टू इज द हाफ ऑफ एंगल क्यू सी बी, एंगल टू इज इक्वल टू हाफ क्यू सी बी हो जाएगा, और क्यू सी बी क्या है 180 माइनस वाई, क्योंकि ये पूरा एंगल ये यहां से यहां तक 180 डिग्री का होगा. अगर इतना निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई. इस तरह करके हमने ये दो इक्वेशन बनाया, इक्वेशन ये है इक्वेशन, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर. अब हमने 1 प्लस 2 भी हटाना है, x प्लस y भी हटाना है. अब इसमें देखिए abc में x y और a मिलके 180 का होगा, इन दोनों का सम 180 माइनस ही हो जाएगा. इस ट्रायंगल में 1 2 और o मिलके 180 का होगा, तो 1 प्लस 2 को o के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा. तरह के सॉल्व कर लेना है, तो घबराना नहीं, क्वेश्चन बढ़ाने हैं, बस थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप एक दो बार तीन बार चार बार पांच बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ इसमें कम नहीं है. आई होप आपको समझ आया हो, एक क्वेश्चन होगा इसको नेट मीडियम बता देंगे, क्या करें तीनों को सम कर दीजिए निकल जाएंगे, नेट मीडियम बता देंगे इसको हम तीनों को ऐड करना है, इसको निकाल लेंगे तीनों का ऐड 180 डिग्री होगा. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके प्रीवियस वीडियो मैंने इसका इंटरनल बाइसेक्टर का प्रूफ कराया था, और यहाँ इसको प्रूफ कर दिया, हर एक चीज में करवा रहा हूँ. आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें. ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कुछ नई चीज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट.